हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास टेंथ का सप्लीमेंट्री का लेसन 9 भूल ही है हम उसका टिक द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमने लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है व्हाट वाज भोलेज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था। तो भोली का रियल नेम यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं, प्रिया, गीता, सुलेखा और सीता। तो भोली का रियल नेम था सुलेखा, इसमें आप सुलेखा को टिक आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव, रामलाल की कितनी पुत्रियाँ थी। तो रामलाल की चार पुत्रियाँ थी, आप इसमें सी ऑप्शन को टिक नहीं करोगे, आप डी ऑप्शन को टिक कर दोगे, फोर डॉटर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एट वाट एज, किस आयु में डिड भोली बिगेन टू स्पीक, भोली ने बोलना शुरू किया। तो भोली ने जब 5 साल की थी तब उसने बोलना शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर है डी, 5। नेक्स्ट है हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की बड़ी पुत्री का नाम क्या था। तो रामलाल की बड़ी पुत्री का नाम था राधा, इसका राइट आंसर है सी, राधा। नेक्स्ट हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी जो है भोली की गाय थी। तो इसके चार ऑप्शन है यहाँ पर, भोलीस काउ, भोलीस टीचर, भोलीस क्लासमेट, भोलीस मदर। तो इसका राइट आंसर है भोलीस काउ, भोली की गाय थी। तो इसका राइट आंसर है ए, भोलीस काउ। नेक्स्ट हु केम टू मैरी भोली, भोली की शादी किससे होने वाली थी। तो भोली की शादी विशंबर नाथ से होने वाली थी, इसका राइट आंसर है डी, विशंबर नाथ। नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ लेसन भोलीज, भोली के जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है। तो भोली की जो ऑथर उनका नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास, यानी कि शॉर्ट में के ए अब्बास। तो राइट आंसर है इसका ए, के ए अब्बास। क्वेश्चन नंबर 8, विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल, भोली ने कौन सी पिक्चर दीवार पर देखी। तो भोली ने काओ, पैरट, गॉट, ये तीनों पिक्चर देखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, जो रामलाल था वो गांव में किस पोस्ट पर था। तो रामलाल जो है वो नंबरदार थे, तो इसका राइट आंसर है डी, नंबरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इसका 10th, व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर्स, तहसीलदार ने रामलाल से उसकी पुत्री के बारे में क्या सुझाव दिया। तो उन्होंने कहा था सेंड देम टू स्कूल, स्कूल भेजो, मैरिड टू सून, मैरिड देम सून, उनकी शादी जल्दी करो, सेंड देम टू सिटी, उन्हें शहर भेजो, या ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है सेंड देम टू स्कूल, उन्होंने कहा था कि इसको स्कूल भेजो। तो इसका राइट आंसर है ए। अब नेक्स्ट हमारे ट्रू एंड फॉल्स, भोली रियल नेम बाय सुलेखा, भोली का रियल नेम सुलेखा था, जी हाँ बिल्कुल सुलेखा था। तो राइट आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। रामलाल वाज सरपंच ऑफ द विलेज, रामलाल जो है गांव के सरपंच थे, फॉल्स, वे सरपंच नहीं थे, वो नंबरदार थे, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है राधा वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल, तो राधा रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री थी, जी हाँ बड़ी पुत्री, सही कहा है। तो इसका आंसर ट्रू। रामलाल हैड 4 daughters, रामलाल की 4 पुत्रियाँ थी, यस 4 पुत्रियाँ थी, राधा, मंगला, भोली और एक और थी। तो इसका राइट आंसर है ट्रू, चंपा। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है द तहसीलदार टोल्ड रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा टू सेंड हिज डॉटर्स, कि वह अपनी बेटियों को स्कूल भेज दे, जी हाँ ट्रू। नेक्स्ट है भोली वाज सो एक्साइटेड टू गो टू स्कूल, भोली को स्कूल जाने में बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थी, जी नहीं वह घबरा रही थी। तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट लक्ष्मी वाज भोली स्काउ, लक्ष्मी जो है भोली की गाय थी, यस तो ये ट्रू है। 8th, हर टीचर वाज एंग्री लेडी, उसकी जो टीचर थी वह गुस्से वाली थी, जी नहीं वो बहुत प्रेम पूर्वक बात करती, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट विशंबर गेव प्रपोजल, विशंबर ने शादी का प्रस्ताव दिया भोली से शादी करने के लिए, ट्रू। सुलेखा रिजेक्टेड द मैरिज एट लास्ट, और सुलेखा ने लास्ट में शादी के लिए मना कर दिया, जी हाँ ट्रू। अब इसकी थोड़ी स्पेलिंग है, स्पेलिंग में पहला आएगा चाइल्डहुड, दूसरा आएगा इंटेलिजेंस, तीसरा है सेरेमनी, चौथा श्रंक, पांचवा क्लासरूम्स, छठा अचीवमेंट, सातवा स्टैमर, आठवा है डॉक्टर और 9th है मटर्ड और 10th है मूवमेंट। तो ये हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो हमारा लेसन 9 भोली कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और सलेशन सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।